दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज आईआईटी जेईई। तो बचपन से तुमने बहुत सुना होगा इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। तो अगर तुम्हें इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपना एक पसंद का ब्रांच चुनना होगा। जो टॉप के ब्रांचेस है वो है तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और बहुत सारे। पहले इसमें से एक अच्छा सा ब्रांच जो तुम्हारे पसंद का है वो चुनना है। जब ब्रांच चुन लिया तब तुम्हें कॉलेज चुनना है। कॉलेजेस बहुत सारे हैं। जो टॉप के कॉलेजेस है वो है तुम्हारे पास आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस। इसमें से जो बच्चों का सबसे फेवरेट होता है वो होता है आईआईटी एनआईटी। आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें देना होगा आईआईटी जेईई का एग्जाम। आईआईटी जेईई दो लेवल्स में होता है। पहला लेवल होता है जेईई मेन, दूसरा लेवल होता है जेईई एडवांस। जेईई मेन जब तुम क्वालिफाई कर लेते हो तब तुम ले सकते हो एनआईटी में एडमिशन, ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो सकता है, जीएफटीआई में हो सकता है और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी जेईई मेन के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन लेते हैं। जो सबसे टॉप कॉलेजेस है जो जेईई मेन से तुम्हें मिल सकता है वो है तुम्हारे पास एनआईटी और ट्रिपल आईटी। एनआईटी जो होता है तुम्हारे पास उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के ब्रांचेस ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ट्रिपल आईटी में जो है तुम्हारा मेनली कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये तीन ब्रांचेस सबसे ज्यादा तुम्हें ट्रिपल आईटी में देखने को मिलेंगे। क्योंकि ट्रिपल आईटी को बनाया ही गया था इसी पर्पज की वजह से, कंप्यूटर के बढ़ते डिमांड क्रेज को देखते हुए ट्रिपल आईटी को गवर्नमेंट ने सेटअप किया। तो एनआईटी और ट्रिपल आईटी जो है तुम्हारे पास एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। जीएफटीआई में गवर्नमेंट भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं। अब जेईई एडवांस कैसे देना है? जब जेईई मेंस तुमने दे लिया, टॉप के 2.25 लाख से 2.5 लाख बच्चों में अगर तुम आते हो तो तुम जेईई एडवांस देने के लिए क्वालिफाई हो। अब जेईई एडवांस दे लिया तो जेईई एडवांस क्वालिफाई करते हो तब तुम्हारा आईआईटी में एडमिशन होगा। अब जेईई मेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, इधर तुम्हारे पास ओल्ड एग्जाम पैटर्न है जिसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ओल्ड एग्जाम पैटर्न जान के क्या करोगे, तुम्हें देना तो अभी एग्जाम है। तो न्यू एग्जाम पैटर्न पे बात करें तो तुम्हारे पास जेईई मेंस में तीन एग्जाम होते हैं। एक होता है बी बीटेक, मेजर क्राउड जो होता है जेईई मेंस देने वाले बच्चों का वो बी बीटेक की तरफ जाते हैं। बी आर्क होता है दूसरा पेपर और बी प्लानिंग होता है तीसरा पेपर। तो बी बीटेक में जो अभी तुम्हारा एग्जाम पैटर्न है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। पी सी एम तीन पार्ट में पेपर डिवाइडेड होता है, 25-25 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आते हैं। हर सब्जेक्ट और फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है 20+5 के रेशियो में। ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं ये तुम्हारा मल्टीपल चॉइस होता है, चार ऑप्शन मिलेंगे। अगर तुमने सही ऑप्शन दिया तो +4, गलत आंसर लगाया तो -1 और अगर नहीं आंसर लगाया है तो 0 नंबर। और ये जो तुम्हारा 5 क्वेश्चंस होता है तुम्हारा न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। जो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, न्यूमेरिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सही इंटीजर वैल्यू अगर तुमने डाला है तो तुम्हारे +4 होते हैं और गलत डाला है या फिर छोड़ दिया है तो 0 नंबर होता है। पहले जो होता था तुम्हारा साल में 2 बार एग्जाम होता था। अब इसे 2021 से कोविड पैंडेमिक को देखते हुए इसके 4 पेपर्स होते हैं। हर पेपर जो होगा तुम्हारा वो 6 से 8 शिफ्ट में होता है। 6 से 8 शिफ्ट का मतलब जैसे सपोज करो अभी जनवरी वाला पेपर तुम्हारा चल रहा है तो इसमें तुम्हारा 3 या 4 दिन एग्जाम चलता है। पहला दिन जो होता है वो तुम्हारा बीआर और बी प्लानिंग को लेकर के होता है और नेक्स्ट के 2-3 डेज जो होंगे वो तुम्हारे बी बीटेक के लिए होंगे। तो सिमिलरली इसी तरह से तुम्हारा एक पेपर जनवरी में हो गया, एक पेपर फरवरी में हो गया, एक पेपर तुम्हारा मार्च में हो गया, तो एक पेपर अप्रैल में हो गया। अब तुम्हारा इसमें से जो सबसे बेस्ट स्कोर होगा चारों में से उसे कंसीडर किया जाएगा तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जेईई मेंस देने के लिए? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले तो तुम्हारा आ जाता है या तो तुम 12th बोर्ड अपियरिंग होने चाहिए या पास्ड होने चाहिए। सपोज करो तुम 2022 में 12th बोर्ड देने वाले तो तुम 2022 में जेईई मेंस दे सकते हो, 2023 में दे सकते हो, 2024 में दे सकते हो, बस यही तक तुम्हारा लिमिट है। अब सपोज करो तुमने 2022 में नहीं दिया, तुम्हें लग रहा है कि 3 बार दे सकते हो, 2022 में नहीं दिया, हालांकि तुमने 2022 में ही करने वाले हो, 2022 में नहीं दिया तो ऐसा नहीं कि तुम 23, 24 और 25 अभी नहीं दे सकते। तुम या तो सिर्फ अभी दे सकते हो, मतलब कि जिस साल तुम अपियर कर रहे हो उस साल दे सकते हो, या उसके अगले 2 साल, इसके बाद तुम नहीं दे सकते। और जेईई एडवांस का भी सिंपल है, अगर बता दूँ तो तुम इस साल दे सकते हो और इसके नेक्स्ट साल दे सकते हो, उसके बाद नहीं दे सकते। तो जेईई मेंस 3 साल, जेईई एडवांस 2 साल।
एज लिमिट, ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है, तुम्हारा जो लिमिट लगता है वो यही सबके वजह से लगता है, 2 साल 3 साल जिस साल से तुमने ट्वेल्थ बोर्ड दिया है उस हिसाब से लगेगा। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देखें तो 6 अटेम्प्ट्स इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जस्ट जो मैंने तुम्हें बताया 3 साल होता है, 6 अटेम्प्ट्स का मतलब होता है कि हर साल 3 साल इंटू 2 शिफ्ट्स। तो अभी तो 2021 से 4 शिफ्ट हो रहा है, अभी देखो कोरोना पैंडेमिक खत्म होता है तब सरकार का क्या डिसीजन है, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, वापस से 2 शिफ्ट हर ईयर पे आने पे या फिर 4 शिफ्ट कंटिन्यू रखती है। अगर 4 शिफ्ट कंटिन्यू रखती है तब तुम 12 बार दे सकते हो, अगर 2 शिफ्ट ही रखती है तो तुम 6 बार दे सकते हो। क्वालिफाइंग मार्क्स तुम्हारे पास 75% ट्वेल्थ बोर्ड में होने चाहिए। अभी जो 75% है कोविड पैंडेमिक की वजह से हटा दिया गया है, क्यों बोर्ड एग्जाम्स जो है वो तुम्हारे हो नहीं रहे हैं। बोर्ड एग्जाम्स का मार्क्स देने का क्राइटेरिया कुछ हर बोर्ड अपनी तरफ से अलग अलग डिसाइड कर रहा है, तो किसी बच्चे के साथ अनफेयर ना हो इसलिए अभी 75% क्राइटेरिया हटा दिया गया है। और सब्जेक्ट्स जो है तुम्हारे पास वो ट्वेल्थ में पीसीएम होने चाहिए। अब आते हैं जे एडवांस के एग्जाम पैटर्न के ऊपर। तो जे एडवांस का जो एग्जाम होता है वो तुम्हारे आईआईटीज में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। जैसे मैंने तुम्हें जे मेन्स के लिए बताया, जे मेन्स से तुम एनआईटीज में, IIITs में, GFTIs में और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन जे एडवांस से सिर्फ तुम IITs में एडमिशन ले सकते हो। और जे एडवांस देने के लिए तुम्हारा, जैसे मैंने बताया, जे मेन्स क्वालिफाई करना जरूरी है। तुम्हारे टोटल पेपर्स जो होते हैं वो 2 पेपर्स होते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है एक इवनिंग शिफ्ट होता है, दोनों 3-3 आवर्स की होंगी, दोनों देना तुम्हें जरूरी है। इसका सच को मार्क्स पैटर्न नहीं है और इसका एग्जाम मोड जो है वो ऑनलाइन है, इसका एक एग्जाम सेंटर होता है। हर स्टेट में 5 से 6 सेंटर तो होते ही होते हैं, तो वहां जाकर के तुम्हें एग्जाम देना है। जेईई मेंस का भी इसी तरह से होता है, एक सेंटर अलॉट होता है, वहां जाकर के एग्जाम देना है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है तुम्हें 12th पास होना चाहिए और जेईई मेंस जो है तुम्हें क्वालिफाइड होना चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि मैंने जेईई मेंस के लिए बताया कि 12th अपियरिंग भी हो सकते हैं और जे एडवांस के लिए 12th पास भी, लेकिन सेम ईयर में दे भी सकते हैं जिस साल 12th अपियरिंग हो। तो इसका होता ऐसा है कि सपोज करो तुम्हारे पास एक टाइमलाइन है, इस समय तुम 12th बोर्ड देते हो तो जेईई मेंस तुम्हारा इस समय भी कंडक्ट होता है, इस समय भी कंडक्ट होता है, लेकिन जे एडवांस हमेशा तुम्हारा 12th जब खत्म हो जाएगा उस साल तभी होता है। तो इस हिसाब से अगर तुम जिस साल 12th दे रहे हो उस साल भी देते हो तो तुम्हारा एक्चुअल में 12th बोर्ड एग्जाम तब तक हो चुका होता है, उसके बाद तुम्हारा जेईई एडवांस होता है। तो उस हिसाब से तुम 12th पास होने चाहिए और तुम्हारा जेईई मेंस भी क्वालिफाइड होना चाहिए। आईआईटी जेईई को वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया में गिना गया है, क्यों? क्योंकि इसमें हर साल 10 से 15 लाख बच्चे अपियर होते हैं और तुम्हारे पास अटेम्प्ट भी 2 से 3 ही होता है क्लियर करने के लिए, और सीट्स भी लिमिटेड है 40 से 50 हज़ार, 15 से 16 हज़ार के आसपास तुम्हारे पास आईआईटी में सीट होते हैं, 20 हज़ार के आसपास एनआईटी में होते हैं, 5 हज़ार IIIT में और 5 हज़ार GFTI में। प्राइवेट में तो तुम ले सकते हो लेकिन टॉप के तुम्हारे जो कॉलेजेस हैं उसमें 40 से 50 हज़ार ही सीट्स होते हैं। तो अब इस 40 से 50 हज़ार में तुम्हें एडमिशन लेना है, इतना 10 से 15 लाख बच्चों में कम्पीट भी करना है 2 से 3 साल में ही, जो तुम्हें करना है वो करके दिखाना है। तो अब इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे इस टफ चीज़ को ईजी करना है वो हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, अब यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, जाग जाओ, वीडियो ख़त्म हो गया है, गुड बाय, हैव अ नाइस।